तो IPL 2023 का बाजार इस समय खबरों से खचाखच भरा हुआ है और आज का दिन भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा रहा। जहां लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2023 के लिए अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स अपने सभी फैंस को डाउन द मेमोरी लेन लेकर के गए और 2009 की जर्सी को टीज करते हुए एक छोटा सा क्रिप्टिक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश भी की है। उसके अलावा मुंबई इंडियंस के खेमे में पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है और एक के बाद एक खिलाड़ियों की इंजरी उनके फैंस को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। तो एक एक करके सभी खबरों पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इस तरीके की वीडियोस बिल्कुल भी आपसे मिस ना हो। तो IPL 2023 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी जर्सी में एक बड़ा अपग्रेड किया है और पिछले साल के स्काई ब्लू कलर को उन्होंने चेंज करके पूरा डार्क ब्लू कर दिया है, जिसके बाद फैंस के थोड़े से मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। जहां कुछ फैंस को डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, वहीं एक के बाद एक IPL में ब्लू जर्सी की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिस पर फैंस ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई क्या आपको कोई और कलर नहीं मिल रहा था। हालांकि IPL 2023 से पहले महज एक सीजन के बाद LSG को इतनी कोई जर्सी चेंज करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन जर्सी से ज्यादा जिस खबर ने बहुत ज्यादा सुर्खियां बनाई वो थी KL राहुल का एक बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि स्ट्राइक रेट इज वेरी ओवररेटेड। KL राहुल इस बात को कुछ समय पहले भी कह चुके हैं और इस बात को उन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देते हुए ये कहा कि इस चीज के कॉन्टेक्स्ट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप 140 चेस कर रहे हो तो स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। वहां पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस तरीके से आप अपनी टीम को आराम से फिनिशिंग लाइन के पार लेकर के चले जाओ, और अगर आपको स्ट्राइक रेट बढ़ाना है तो उस समय बढ़ाइए जिस समय जरूरत होती है। और इसी वजह से उनका मानना है कि स्ट्राइक रेट थोड़ा सा ओवररेटेड है। अब आप इस चीज को दो तरीके से देख सकते हो। उन्होंने जो एग्जांपल दिया वो तो पूरी तरीके से दुरुस्त है, लेकिन मैं इसके पीछे उनके थोड़े से मेंटालिटी जानने की भी अगर कोशिश करूं तो KL राहुल का ये मानना है, अंदर ही अंदर आप उनके स्टेटमेंट से अंदाजा लगा सकते हो कि मैच फिनिश करना उनकी बहुत बड़ी प्राथमिकता है खुद उनके जहन में। और इसी वजह से जिस तरीके की इनिंग्स हम KL राहुल से देखते हैं, जो एलिमिनेटर मुकाबले में वो आखिरी तक खेले थे और उससे पहले भी जो शतक वगैरह उन्होंने मुंबई इंडियंस के सामने लगाया था, उसमें भी उनकी कोशिश ये थी कि मैं जितना डीप खेल सकूं उतना डीप खेलूं, और कब मुझे स्ट्राइक को बढ़ाना है, स्ट्राइक रेट को कब मुझे सिंगल लेके दूसरे छोर पर जाना है, किस समय मुझे थोड़ा सा समय निकालना है, इन सारी चीजों पर KL राहुल का ध्यान बहुत ज्यादा है और इसी वजह से उनके स्ट्राइक रेट और इंटेंट में हम थोड़ी सी कमी देख रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है कि किसी भी एक प्लेयर की जिम्मेदारी नहीं होती है अपनी टीम को फिनिशिंग लाइन पार कराना। अगर KL राहुल ओपनर है तो उनको चाहिए कि वो 6 ओवर का पावर प्ले का पूरी तरीके से फायदा उठाएं, लेकिन फिलहाल कप्तान KL राहुल का मानना है कि स्ट्राइक रेट आर ओवररेटेड। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का खेमा इस समय जमकर मैदान पर पसीना बहा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा फैंस की नजर है कोलकाता नाइट राइडर्स की जर्सी को लेकर के। खास करके LSG के जर्सी लॉन्च के बाद KKR के फैंस की भी डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई है और वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या KKR कोई बड़ा जर्सी अपग्रेड करने वाला है। देखिए, इस बारे में तो अभी कोई बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले कुछ समय से अपनी पुरानी टीम्स के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। वो 2008 की प्लेइंग 11 बना रहे थे, 2009 की प्लेइंग 11 बना रहे थे, अगर आप उनका सोशल मीडिया देखो। और आज उन्होंने श्रेयस अय्यर की तस्वीर को 2009 की जर्सी में डाला है, जब कोलकाता नाइट राइडर्स ब्लैक एंड गोल्ड कलर की जर्सी पहना करती थी, और उन्होंने कहा था कि कल्पना कीजिए कि श्रेयस अय्यर इस जर्सी में खेले। उसके बाद फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि क्या KKR की जर्सी इस साल चेंज होने वाली है। बट इन माई ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो सिर्फ अच्छा सोशल मीडिया चला रहे हैं और अच्छी एंगेजमेंट बना रहे हैं और अपने फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं, जो कि किसी भी अच्छे सोशल मीडिया की पहचान होती है। लेकिन जो दूसरी खबर KKR के खेमे से है वो ये है कि टीम्स आपस में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है और आपस में प्रैक्टिस मैचेस भी खेल रहे हैं। कुछ बाहर से गेंदबाज भी मंगाए गए हैं, चाहे मनदीप सिंह हो, चाहे रिंकू सिंह हो, चाहे नीतीश राणा हो, अपने कोच और बैटिंग कोच के साथ काफी ज्यादा समय बिताते हुए दिख रहे हैं। और कोलकाता नाइट राइडर्स IPL 2023 में पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है। उसके बाद अगर हम चले मुंबई इंडियंस खेमे में, तो यहां पर हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि झाय रिचर्डसन का IPL
आईपीएल में खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। और खबर इसी बात को थोड़ा से और रिपोर्ट्स भी निकल करके आई हैं जो इस बात का दावा कर रही हैं कि जाय रिचर्डसन इज ऑल बट रूल्ड आउट फ्रॉम आईपीएल 2023। अब अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होते तो जाय रिचर्डसन की इंजरी इतना बड़ा हेडेक नहीं थी, लेकिन बुमराह के जाने के बाद ये खबर आई थी कि जाय रिचर्डसन और जोफ्रा आर्चर के कॉम्बिनेशन को मुंबई इंडियंस डेथ ओवर्स में इस्तेमाल करने वाली है। लेकिन अब जाय के जाने के बाद थोड़ी बहुत वो बल्लेबाजी भी करके देते हैं, मुंबई इंडियंस की समस्या थोड़ी सी बढ़ गई है और कुछ ऑस्ट्रेलियन नाम है जो कि उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर फ्लोट अराउंड कर रहे हैं, जिसमें केन रिचर्डसन, राइली मेरेडिथ जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं और उसके बाद एंड्रू टाय का नाम भी उसमें था, लेकिन वो अब लिस्ट में थोड़ा सा पीछे चले गए हैं। एडम मिलने का नाम भी आया था, लेकिन वो खुद इतने ज्यादा इंजरी प्रोन है कि उनको किसी ने नहीं खरीदा, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ भी मुंबई इंडियंस जाने वाली है। मुंबई इंडियंस की निगाह किसी ऐसे खिलाड़ी पर होगी जो कि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी करके दे और डेथ में अच्छी गेंदबाजी करे। क्या ओली स्टोन की तरफ वो जा सकते हैं, क्या वो टॉम करन की तरफ जा सकते हैं, ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो काफी ढेर सारे नाम इस समय फ्लोट अराउंड कर रहे हैं जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन किसको मुंबई इंडियंस पिक करेगी ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से जाय रिचर्डसन की रिप्लेसमेंट किसे होना चाहिए और लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, पिक एंड पावर द फैमिली ताकि इसी तरीके की मजेदार और एनालिसिस से भरी हुई वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। एंड इफ यू हैवंट चेकड आउट Our Telegram family, the link is in the description box below, जहां पर आप मेरे को Twitter, Instagram और Telegram पर follow कर सकते हो। वहां पर हमारी बढ़िया community है। So you have to stay tuned for everything that is coming your way, and I will see you soon in the next video.